ग्रामीणों की समस्याएं कमोवेश एक जैसी ही हैं। देश के हर गांव का विकास हो, कोई भी जीवन की बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आगे बढ़ने से वंचित न रह जाए, इसके लिए सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। भारत सरकार ग्रामीण आबादी के विकास और उन तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन कार्यक्रमों का मकसद गांव में रह रहे लोगों को सड़क, आवास, पेयजल और स्वच्छता के लिए आधारभूत सुविधाएं, रोजगार, आय, कौशल विकास और प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता मुहैया कराना, ताकि ग्रामीण परिवारों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस साल अगर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखें और इसमें पेयजल और स्वच्छता को मैं जोड़ूंगा, तो केंद्र सरकार की ओर से करीब 99,000 करोड़ रुपया